सर, तो लास्ट क्लास में अपने लोग एडमिशन ही स्टार्ट किए थे, और एडमिशन में बेसिकली अपने लोग ने सर रीड क्या किया था बताइए, बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। तो एक बार फिर से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ, नहीं नहीं लिया था क्यों? एक मिनट सर, कंप्यूटर वगैरह सब चलाना आता है तो सबको। यही सब काम देगा सर आगे, समझ गए? आगे कंप्यूटर नहीं चलाने आता है, कुछ नहीं कर पाएगा सर। देखिए, तो ये हमारा था बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिमेंबर, राइट। तो सर बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या सीखना था? सबसे पहले क्या था सर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिमेंबर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो रेशियो निकालना है जिस रेशियो में नया पार्टनर क्या करता है सर, नया पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। क्या सैक्रिफाइस करता है बताइए? अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। और उसके अगेंस्ट में वो क्या लेता है, उसके अगेंस्ट में वो क्या लेता है बताइए? उसके अगेंस्ट से प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा, राइट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लोगों को निकालना है ना। और लास्ट क्लास में सर अपने लोग सीखे थे कि गुडविल का वैल्यूएशन किसका होता है, फर्म का बेसिस में होता है। अगर फर्म फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन अपने लोग ने सीखा नहीं है, बिकॉज वो एग्जाम भी हमारा रिलेवेंट नहीं है। वो एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं, उसी को फर्म का गुडविल मिलता है। नाउ सर, फर्म का गुडविल टोटल 9 लाख है, क्या उसी को बांट देंगे? नहीं, आपको क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलता है? टोटल फर्म का गुडविल मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, वो आता है शेयर ऑफ गुडविल। वो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा किसको देने के लिए? ओल्ड पार्टनर को देने के लिए। किस लिए, किस लिए देने के लिए लाएगा? ताकि उन लोग जो सेक्रीफाइस किया अपना हिस्सा, उसके अगेंस्ट में उसको कंपेंसेशन में क्या मिलता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो लोग बांटेगा कौन सा रेशो में, इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ सर, व्हाट इज मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो? मान लीजिए सर, ये लोग 3 दोस्त है, इन लोग दोनों को अच्छा बॉन्डिंग है, वो बंदा का बॉन्डिंग नहीं है, राइट। अब ये बेटा ज्वाइन करने मांग रहा, बोले भैया हम भी पार्टनर बनेंगे, वो एग्री नहीं करे, बोले नहीं हम नहीं देंगे अपना हिस्सा। वो क्या बोला, एक पार्टनर क्या बोला, हम अपना प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। तो सेकेंड वाला का दोस्ती अच्छा, तो बोले ठीक है भाई हम अपना हिस्सा से दे देंगे। तो जब प्रॉफिट में हिस्सा देने का बारी आया, तो सिर्फ एक पार्टनर दिया, दूसरा पार्टनर नहीं दिया। तो ये जो गुडविल का जो पैसा लाएगा, गुडविल का जो पैसा लाएगा, जब पैसा वो ला रहा है देने के लिए, तो किसको देगा? दोनों को, जो सैक्रिफाइस किया। जब पैसा देने के बारे है, तो यार अब हमको भी दे, क्यों देगा, देगा वो नहीं देगा। तो यही चीज अपने को याद रखना है सर, एडमिशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। बट इससे पहले अपने लोग और सीखे थे सर कि बिफोर एडमिशन और पार्टनर में क्या करना है बताइए? बुक्स को रेडी करना है। किसके लिए रेडी करना है? नया पार्टनर के लिए। तो बुक्स को रेडी करने का मतलब क्या हो गया, जितना भी प्रॉफिट और लॉस है, जितना भी फायदा नुकसान है, नया पार्टनर का आने से पहले वो सब का सब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मतलब क्या क्या रहेगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, उसको भी बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा, उसको भी किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, है ना। तो सर वही हमारा पार्ट है। और एट द एंड में अपने लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं। वो रिवैल्यूएशन क्या है सर, बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन दिया रहता है, मार्केट वैल्यू के साथ आपको क्या करना है सर, कंपेयर करना है। और कंपेयर करके क्या निकालना है, आइदर प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो अपने लोग रिवैल्यूएशन के किस साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में। मतलब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्लियर है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और वो किस पे बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्लियर है। तो ये अपने लोग सीखे थे, आई होप उतना डिटेल में हम नहीं बता रहे, बिकॉज ऑलरेडी डिटेल में हमारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो सर एक सम आप लोगों को मैंने दिया था, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला समझ में आ गया ना, कर लेंगे। तो कुछ कुछ सम दिए थे हमें, बताइए कौन कौन सा बना, नहीं बना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं बना, क्यों, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर एज अ न्यू पार्टनर।
ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 बिटवीन देम। अब फ्यूचर प्रॉफिट बोला कि सर 5:3 में देखो लोग, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। करिए वाला हमको देखे, जो जो नहीं किया वाला हमको बनाना है। चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए सर, साथ साथ करेंगे अपने लोग सर। ओल्ड रेशियो बताइए कितना है, ओल्ड रेशियो क्या है ए एंड बी का, सी आ रहा है, पी का शेयर कितना है 1/6, तो हमको बताइए सी का शेयर 1/5 है, तो ए एंड बी का शेयर कितना होगा। ये 4/5 किसी को समझ में नहीं आया, देख शर्माने का बात नहीं है, बता दे 4/5 कैसे समझ में आया सर बताइए तो। 1-, क्लियर है तो नहीं समझ में आया बोल। मैडम से नहीं पढ़ा था ना 10 में, आप लोग 10 में मैडम से क्यों नहीं पढ़ते हैं सर, मैडम लोग अच्छा पढ़ाती है 10 में। देखिए तो ये 1-1/5 होता है सर, एक का मतलब पूरा क्या रहता है 100%, 100% का जगह पे अपने लोग 1 लिखते हैं, और 1/5 का मतलब 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा बोले तो भाई कितना परसेंट, 20%, कितना परसेंट, तो 100 से माइनस 20% चला गया तो बचा कितना 80%। नाउ यही 80% को अपने को फ्रैक्शन में दिखाना है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है 80/100, काटो उसको 5 से, कितना कटेगा 4/5, तो 80% इज इक्वल टू व्हाट 4/5। तो फ्रैक्शन में अपने लोग डायरेक्टली कैसे करते हैं, वो करते हैं 5 यहां हो गया, 5 यहां हो गया 1, ये कैसे आ रहे, ये समझ में आया कैसे हुआ। बड़ा एलसीएम नहीं पता रहेगा ना, कसम से बता रहे बाबू, कुछ तो सुन लोगे, क्या सुन लोगे मैं नहीं पता, बट कुछ तो सुन लोगे। थोड़ा मजाक करते हैं सर, जज मत करिएगा लैंग्वेज पे, बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, बड़ा बात है, राजा बाजार में हुआ सर। देखिए 4/5 राइट, अब ये हमारा ए एंड बी का शेयर है, अब बताइए ए और बी ये जो हिस्सा है, मतलब 100 में से 20% दे दिए, उसको बचा कितना परसेंट 80%। अब 80% किसका है, ए और बी का है। अब ए और बी आपस में कौन सा रेशियो मिल रहा है वो भी बताना होगा, अगर कुछ नहीं बोलता है तो अपने लोग क्या अज्यूम करते हैं ओल्ड रेशियो, क्या अज्यूम करते हैं नहीं समझे, ए और बी मतलब इन लोग दोनों का आपस में रेशियो 3:2 था। अब नया पार्टनर बोला भैया हम 1/5 लेंगे, 20% लेंगे, बोला जा दिया थे, तो बचा कितना परसेंट 80%। अब जो 80% बचा है तो इन लोग दोनों में आपस में वही रेशियो है या ये लोग आपस में भी चेंज किया, समझ रहे, पॉइंट वो है। अगर इन लोग कुछ नहीं बोला है तो मतलब क्या है, जो पहले था वही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कौन सा रेशियो में, देखिए, और जो कि इन लोग शेयर करेगा कौन सा रेशियो में 5:3 में, 5:3 बोले तो 5/8, और बी का कितना होगा 3/8, तो अपने लोग ऐसे कर सकते क्या, ए का टोटल शेयर था 4/5 कितना था, और बी का भी टोटल शेयर था 4/5, ये टोटल इन लोग दोनों का मिला के इसमें से कितना लेगा इन लोग, ये लेगा 5/8, और ये कितना लेगा, ये लेगा 3/8, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो सर मल्टीप्लाई कर देते, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर आपको काटने का दिल करा होगा, 5-5 काटो काटो, यहां नहीं काटने का, यहां यहां कुछ भी काटा कुटी मत करिएगा, ठीक है, यहां कंट्रोल करिएगा, कंट्रोल उदय, यहां नहीं काटना आपको, यहां काटिएगा तो आपका कट जाएगा, याद रखिए, समझ गया। आप लोग लगता होगा सर क्यों मना कर रहे हैं, मना कर रहे रीजन है, एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन दे देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सर यहां कितना हो जाएगा 20/40, यहां कितना होगा 12/40, क्लियर है। सी का शेयर कितना था 1/5, तो सबका नीचे 40 है, इसका भी बेस क्या करना है 40 करना होगा, कैसे 40 करेंगे 8/8, यहां बोले थे सर यहां पर क्या होता 1 होता, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता, खुदा एक होते हो दिखाई,
ये जो डायलॉग है ना बॉस, ये ना तो ये सब जो आपका डायलॉग है ना चेपने वाला है, नहीं समझा तू ना? अगला इम्प्रेस भाई, क्या बात बोला भाई। कोई अगर टोपी वाला है तो सर प्यार कर लेगा आपसे, है ना बाबू? ठीक तो सर यहाँ कितना करिएगा, 8 बाई 8 राइट, कितना हो जाएगा सर, 8 बाई 40, क्लियर हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 20 प्लस 12 प्लस 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्लियर है, इक्वल है यहां तक, कोई प्रॉब्लम समझ में आया? तो देयर फोर हमको बताइए न्यू रेशियो देयर फोर क्या निकल रहा है, 20 बाई 40, फिर 12 बाई 40, फिर 8 बाई 40। अब सबका बेस सेम है, अब हटा सकते हैं, तो अब फिर से क्या आ गया रेशियो 12:2, 20:12:8, फिर से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 4 से, कितना हो जाएगा, 5:3:2। ये मेरा कौन सा रेशियो हो गया, ये मेरा न्यू रेशियो निकल गया सर, क्या निकल गया, ये मेरा न्यू रेशियो निकल गया, देयरफॉर न्यू रेशियो। बोलिए क्या प्रॉब्लम, बोलिए सर क्या प्रॉब्लम, समझ में आया? सर यहां 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, अपने को 40 लाना है सबका बेस में राइट, तो 40 कैसे आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने से, तो अगर हम नीचे में अगर 8 बैठाएंगे तो ऊपर में भी क्या होगा, 1 आएगा ना, तभी तो 8 8 करके क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ऐसे करते हैं। आप लोगों को सब पता है, मुझे पता है कि कुछ कुछ जगह में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये सारा अगर परसेंटेज में हम करेंगे तो इट विल बी सो इजी, लेकिन फ्रैक्शन रहता है ना तो थोड़ा दर्द है। तुम लोग भी टेंशन में आ गया, नहीं अच्छा खासा ऑनलाइन हो रहा था, या अल्लाह क्या कर दिया, नसीब वाले हो जो एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है बेटा, नया नसीब वाले, अभी नहीं समझ में आया, अभी तुम लोगों को खट नहीं लग रहा है, बच गए तुम लोग, एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है। सर हो गया, अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमको बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो राइट। अच्छा कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए एन बी एन सी, सी सैक्रिफाइस करेगा, क्या क्यों नहीं करेगा, अरे वही तो एडमिट हो रहा है तो वो सैक्रिफाइस थोड़ी ना करेगा, तो क्या करेगा, वो तो गेन करेगा, उसको तो हिस्सा देना है, तो सैक्रिफाइस किस निकलेगा से, ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या था, 3:2, 3:2 बोले तो भैया 3/5, और बी का कितना था, 2/5, अभी न्यू रेशियो कितना हो गया देख रहे हैं, 5:3:2 हो गया, मतलब कितना हो रहा है, 5/10, और उसका 3/10, तो माइनस क्या कर देंगे, 5/10, और यहां पे माइनस क्या कर देंगे, 3/10, चीज समझ रहे हैं, अगर आप परसेंटेज में जाओगे तो 3/5 का मतलब कितना होता है, 60%, 5/10 का मतलब कितना होता है, 50%, तो 60 माइनस 50% कितना सेक्रीफाइस किया, 10%, खुद से देखो, यहां पर क्या है, 2/5 का मतलब कितना परसेंट, 40%, 3/10 का मतलब कितना परसेंट, 30%, तो बी भी सेक्रीफाइस कितना किया, 10%, ए भी 10%, बी भी 10%, तो इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया, और बी कितना था, 1/5 बोले तो 20% आ गया। परसेंटेज का खेला इजी है सर, अब फ्रैक्शन में बताइए वही सेम चीज निकालना है, कैसे करेंगे, यहां पे क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम, ऊपर वाला है नीचे वाला, नीचे वाला का, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करना होगा, कुछ कुछ का प्रॉब्लम है, ते बोल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ते बोल क्या करेंगे आगे, 10 कैसे आया, समझ में आया, एलसीएम किया तो अब ऊपर में कितना बैठेगा, अच्छे हो बहुत जल्दी बता दिए थे, -5
माइनस 5 यहां पे, चार चार होगा यहां पे। देख के बोल रहा तो गलत नहीं बोलेगा, देख इज्जत का बात है यहां पे। ठीक ठीक है तो श्योर तो कर दें यहां पे। यहां कितना होगा? 4 माइनस। ठीक लड़का को समझ में आता है, थोड़ा सा नर्वस आ गया। ठीक है चलो गुड, समझ में आया सर। तो 1/10, 1/10 आप इक्वल टू करो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? 2/10 हो गया ना सर। और ये 2/10 किसको दे रहे थे? सी को। सी तो समझ में आया, तो सी का हिस्सा जो मिला है तो कैसे मिला है? ए सैक्रिफाइस किया 1/10 और बी सैक्रिफाइस किया 1/10, तब जाके सी का हिस्सा क्या हुआ? 2/10। अब बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकालना है? बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? ये किया था 1/10, ये भी किया था 1/10, तो कितना हो गया? 1:1। ये हमारा आंसर। क्लियर है भाई? ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव एसएक्यू वगैरह पे या एमसीक्यू हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन में भी ऐसा दे सकता है आप। ठीक है तो ये एक्सपेक्ट करके रहोगे एग्जाम में 1 नंबर या तो फिर 4 नंबर में तो देगा ही। ठीक है और ज्यादा टेंशन लेने वाला चीज नहीं है, बिकॉज आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर विल बी इजी, इजी पे इजी, समझ रहे जी हैं? एक तो ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, कुछ है ही नहीं है, उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन काफी इजी थे। जी सर हो गया कोई प्रॉब्लम? तो जी ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जनरल एंडी क्या है? बताए थे रिजर्व नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है सर? अगर क्रेडिट है तो मतलब क्या है? लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी साइड में मतलब क्या है? क्रेडिट है, तो उसको उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो इंडी क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बॉन्ड। और कौन सा रेशियो में बढ़ेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो जनरल इंडी क्या हो जाता है सर? दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कौन सा रेशियो में चल जाएगा? ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस रहेगा, लॉस लॉस, तो लॉस पीएल किस साइड में रहेगा? लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में, किस साइड में बताइए? अगर एसेट साइड में पीएल लिखा हुआ मतलब वो क्या है? लॉस। तो अपने लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इंडी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बोलिए सॉरी, अगर डेबिट साइड में रहा तो लॉस है ना वो डेबिट है, अपने लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ईटी उल्टा हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? ये जनरल एंट्री देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। क्लियर हो गया? रिजर्व भी रहता है कभी कभी, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिमेंबर? तो इसका एंट्री क्या करते हैं आप? रिजर्व लायबिलिटी होता है उसको देखो, ट्रांसफर करने का मतलब खत्म करना, उसको बांट बूट के खत्म कर देना भाई, ताकि नया पार्टनर आएगा तो उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए उसको खत्म करना है। तो क्या करेंगे सर? जो लायबिलिटी है मतलब वो क्रेडिट है, उसको ट्रांसफर करने का मतलब, खत्म करने का मतलब उसको डेबिट करना है। तो इंडी क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए एंड टू बी। मान लो कि 30, ये 10,000 रुपए का रिजर्व है, अपना रेशियो आया था ना ओल्ड रेशियो, मान लो कि जो भी आपका 1:1 है, तो कैसे बांटेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, टू एस कैपिटल 5,000, टू बीस में कितना चल जाएगा? 5,000। क्लियर है? इसके अलावा सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो रीवैल्यूएशन में क्या चीज याद रखना है? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अच्छा कंपेयर किससे करेंगे? बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू को या मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को? अब ये कंफ्यूजन होता है सर, जो आपका बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन दिया हुआ उसको कंपेयर करेंगे किससे? जो वैल्यू एडजस्टमेंट में गिवन दिया रहता है। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है इज नोन एज बुक वैल्यू, जो एडजस्टमेंट में आपका गिवन दिया रहता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू को अपने लोग किससे कंपेयर करते हैं? मार्केट वैल्यू को चेक करते हैं कि वेदर मेरा प्राइस बढ़ रहा है, वेदर मेरा प्राइस घट रहा है। अगर मेरा बुक में लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपया दे दिया और एडजस्टमेंट में बोला कि मार्केट वैल्यू शुड बी इंक्रीज बाय लैंड बिल्डिंग बाय 60%, इसका मतलब 10,000 का 60% और बढ़ाना है, तो मतलब कितना करना है? 16,000 करना है। तो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कितना से बढ़ गया? 6,000 रुपए से बढ़ गया। तो मेरा वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या फील हो रहा है? फायदा है नुकसान? फायदा नुकसान हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जनरल इंडी क्या पास करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी वैल्यूएशन। और अगर लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो जनरल इंडी क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है?
लॉस कैसे होता है, जब वैल्यू बढ़ता है घटता है, घटता है, जब घटेगा तो लॉस, बढ़ेगा तो प्रॉफिट। लायबिलिटी में क्या होता है सर, इसी का उल्टा होता है। लायबिलिटी में क्या होता है, अगर आपका लायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले लायबिलिटी का मतलब समझिए। लायबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, जो अभी लिए और बाद में देना है, ज्यादा देना है, इंटरेस्ट वगैरह देना है, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। लोन, लोन किसी से आप उधार पैसा लिए, कोई दोस्त से, मान लीजिए फरवरी का महीना चल रहा था, पैसा नहीं था आपका पास, उधार मांगे आप दोस्त लोग से, खर्चा बहुत है आप लोग का, तो मान लीजिए सर पैसा उठाए और वो आप खर्चा में कर दिए, आप किसी से उधार मिले, तो मतलब क्या, उधार का मतलब नहीं देंगे, नहीं दीजिए क्या, दोस्त से उधार मांगा है, देना भाई, दे देंगे बाद, अब वो दे रहे हैं, वैसा वाला बात नहीं कर रहे हैं। बैंक वाले से जो आप पैसा लेते हो तो क्या होता है, बाद में देना पड़ता है ना सर, डेट्स फॉर लाइबिलिटी। अब आप 10,000 का लिए थे, आपको देना पड़ा 15,000 रुपये, तो 5,000 ज्यादा देना पड़ रहा है कम देना पड़ रहा है, फील क्या हो रहा है, फायदा फील क्या हो रहा है, क्लियर है? तो जनरलिटी क्या होता है, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लॉस के लिए रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लियर है? एक बात बता रहे हैं, हम लोग के लिए, हम लोग के लिए लायबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इन फ्यूचर है। बड़ा बड़ा आदमी लोग के लिए लायबिलिटी इनकम है। हाँ दोस्त, अब जैसा विजय माल्या हो गया, मेहुल चुस्की हो गया, लोग के लिए क्या है, ये लोग इनकम समझता है लायबिलिटी, ये लोग बैंक से पैसा उठाए लायबिलिटी बोल के, हाँ दे देंगे, बाद में इनकम में कन्वर्ट हो गया, खत्म। समझ गया? हाँ, तो हम लोग जैसा जो लोअर क्लास है, उतना बड़ा आदमी नहीं है, हम लोग के लिए लायबिलिटी क्या है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इन फ्यूचर, हम लोग के लिए इनकम नहीं है, इनकम मानने के लिए उतना बड़ा बनने पड़े, समझ गया? क्लियर हो गया सर? सेम इसी का उल्टा, अगर लायबिलिटी घट गया, लायबिलिटी घट गया तो क्या हो गया, फायदा हो गया, हमको किसी को पैसा देना था, उम्र गया, हम खुश, पार्टी एंजॉय है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है था? किसी को पैसा देना था, वो भाई मुलाकात ही नहीं हो रहा उससे, वो भूल गई, आप भी भूल गए, आप चुपचाप से बैठ गए, अरे मांग नहीं रहा है, भूल गया, छोड़ दो, भूल जाने दो। तो मतलब क्या हुआ, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो फायदा हुआ तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन का था। एट द एंड में जोड़ देंगे, जोड़ के जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह आता है उसका भी जनरल एंट्री पास होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस है आप ट्रांसफर कहाँ करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट? तो जनरल एंट्री क्या पास होगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर, इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट हो तो क्या एंट्री पास करते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस अगर हुआ तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब ओल्ड पार्टनर, हां ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड एज, क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन करना है सर, ये फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का, ये अगर क्वेश्चन आप कर लिए तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोई भी रिवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो जल्दी से अपने लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक एक करके जो जनरल एंट्री पास करना है, कुछ लोग करके आए हैं, कौन कौन करके आया? ओ लड़का लड़का, एग्जाम का प्रेशर क्या हुआ, लड़कियां लोग तो की है, तो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ नहीं है, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ नहीं, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, करके लगिएगा, आप पूरा ही डेबिट में लिख के लाओ, साला क्रेडिट छोड़ दो, आप मत लिखो, बोलो नहीं दिल करा मेरे को, बट लिख के लाना था। अल्लाह बचाए मेरे को, पढ़िए देखिए क्या लिखा सर, पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑन मनन, बिकम अ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अजय एंड रंजन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, विच इज व्हाट, ओल्ड रेशियो, ये कौन सा रेशियो है सर, ओल्ड रेशियो, क्लियर है? तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अपने लोग बनाएंगे, तो एक आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाइन टांगिए, और जनरल एंट्री भी अपने लोग पास करेंगे, नहीं समझे, एक पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट और सेकेंड पेज में जनरल एंट्री, अपने लोग जनरल एंट्री भी पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, सो दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री में अपने लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है? एक पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और फिर जनरल एंट्री नेक्स्ट पेज में करेंगे।
दिख रहा है? क्वेश्चन पे कितना है? सबको फॉर्मेट पता है ना? ठीक है सर, एक एक करके पढ़ें। चलिए सर पढ़ते हैं। पास वाले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 10,000। अंडरलाइन करें उस वर्ड को, बाय बाय रुपीज 10,000। एक बार से पूछो ना बाबू, प्रिंट आउट मिल गया क्या? आवाज दो आवाज। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 10,000। बुक वैल्यू कितने रुपए का है? 50। बाय रुपीज और 2 रुपीज दोनों में फर्क है। बी नंबर वाला पढ़िए क्या लिखा हुआ। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंक्रीज टू मतलब इतना तक बढ़ेगा, और इंक्रीज बाय का मतलब हो गया इतना से बढ़ा है। क्या करना है सर? इतना से बढ़ना है। क्लियर हो गया? तो सर यहां इतना से सब इतना से अपने लोगों को समझना है। तो बुक वैल्यू टोटल फर्नीचर का 50,000 है, इंक्रीज बाय रुपीज 10,000 का मतलब 10,000 से बढ़ रहा है। मतलब कितना तक बढ़ गया? 60,000 तक बढ़ा। कितना तक बढ़ा? तो 50,000 से 60,000 हो गया, तो 10,000 बढ़ गया हमारा। तो एक्चुअल में बिल्डिंग एक्चुअल हमारा फर्नीचर बढ़ा कितना से? 10,000। तो जनरल इंडिया क्या पास करोगे आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट पास करो। तो एनडी हो जाएगा सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? कितना रुपया सर? 10,000। 10,000। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में जाएगा हमको बताओ? प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट है। तो आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड। लॉस किस साइड जाता है? तो ये क्या है, प्रॉफिट है तो किस साइड दिखाएंगे? बाई साइड में लिखेंगे। बाई में क्या होगा बताओ? बाई फर्नीचर। क्लियर है? दूसरा वाला पढ़े, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू, इंक्रीज टू रुपीज 40,000। इसका मतलब 40,000 से नहीं बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? गलती नहीं करना है। 40,000 से नहीं बढ़ रहा मतलब यहां अमाउंट 40,000 नहीं बढ़ाना आपको, 40,000 तक बढ़ेगा। आप बुक वैल्यू चेक करो, यहां पर कितना बुक वैल्यू मशीन का? 20,000 है, और हो गया कितना? 40। तो बढ़ा कितना से? 20,000 से। बढ़ा कितना से? 20,000 से हमारा मशीन बढ़ेगा। तो जनरल इंडी क्या होगा सर? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। बैठाओ क्या हुआ? नहीं नहीं एग्जाम में नहीं मांगेगा तो लिखेंगे। अगर एग्जाम में अगर बोल दिया कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तब नहीं लिखना, उल्टा तुम बोल रहे। नरेशन में क्या लिखना है भाई? बीइंग फर्नीचर इंक्रीज, बीइंग मशीन इंक्रीज। समझ गए? नरेशन ऐसा है ना सर, नरेशन एग्जाम में लिखना जरूरी है, समझ गए?
लिखना जरूरी हो, चेक होगा कि नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है, सिर्फ गाली और गाना को छोड़ के, उसको छोड़ के जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा रिलेटेड में लिखिएगा, चेक नहीं होगा। नहीं लिखिएगा तो अंधा का भी आंख चल जाएगा और नंबर काट लेगा, समझ गया। और गाली लिखिएगा तो भाई साहब, एक दो लड़का था लिखा है वहां पर नरेशन ने, बीन कहो ना कहो ये आंखें, एग्जामिनर भी आ गया मार्क्स दे रहा भी वैसे ही, क्लियर हो गया सर। आप लोग ऐसा कुछ मत करना सर, हाँ हाँ आपके अगर चाचा भी धायक रहे हैं तो अलग बात है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते। सर हो गया, आगे बढ़िए जल्दी से, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी ब्राउट अप टू 120% ऑफ इज वैल्यू। नहीं समझ में आया, अंग्रेजी है बाबू, अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है फिर, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी ब्राउट अप टू 120% ऑफ इज वैल्यू, मतलब जो बिल्डिंग का जो मेरा वैल्यू है उसको 120% कर देना है, राइट। तो बिल्डिंग था कितना 50,000, उसको 120% करना है, तो मतलब बढ़ाना है घटाना है, बढ़ाना और कितना कर देना है 60,000, तो कितना से बढ़ाना है 10,000 से बढ़ाना है, क्लियर हो गया। तो आप जनरल इंडिया क्या पास करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना रुपए जी, 10,000, ठीक है। और ये कहां चल जाएगा रिवैल्यूएशन का, क्रेडिट साइड में चल जाएगा बाय बिल्डिंग 10,000, 10,000, ठीक है। दूसरा वाला पढ़िए, डी नंबर पे आइए, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। काम करते हैं ना, एक एक करके पूछते हैं, कौन बता पाएगा, चले वहां से स्टार्ट कर, डी नंबर पढ़ो, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, वैल्यूएशन का काम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कुछ 10% से अमाउंट कितना होगा, कोई और अलग आंसर है, 20,000 जनरल एंटी, बताइए क्या होगा, मतलब आप क्या बोल रही हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे समझाइए, कैसे समझ, बुक्स में 10% घट के निकाल दिया, माया अंग्रेजी है बाबू, ले लेगा, ले लिया आप लोग, पढ़िए अच्छे से सर, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझ में आता है, हाँ क्या लिखा हुआ पढ़िए, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो हमको बताइए इन्वेस्टमेंट घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, घटा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, टू बी नहीं लिखा है, करना होगा नहीं लिखा है, आप उसे पहले वाला लाइन पढ़िए, हैज टू बी ब्राउट, उसको करना है, इतना करना है, वो वर्ड है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड, इतना कम है, तो वो 10% ऑलरेडी कम है सर, आपको क्या करना है, बढ़ाना है, आपको क्या करना है, बढ़ाना है, क्लियर हो गया। तो इन्वेस्टमेंट घट नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो जनरल इंडी क्या हो जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये समझ में आ रहा है, तो याद रखेंगे ये वाला वर्ड को, और अंग्रेजी थोड़ा अच्छा करेंगे तो क्लियर है सर। तो इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड, इतना वो घटा हुआ है, तो घटा हुआ तो मतलब क्या करना होगा, ठीक करना होगा, ठीक करने मतलब क्या है, बढ़ाना होगा, तो जनरल इंडी क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट भी 1800 नहीं होगा, अमाउंट भी 1800 नहीं होगा, 1800 अमाउंट नहीं होगा सर, वो 10% घटा हुआ है, तो नॉर्मल अगर 100% है, वो 10% घटा हुआ है, तो वो कितना परसेंट है, 90% है, कितना परसेंट है,
और 10% का मतलब 10/100 होता है, 10/100 होता है, वो 90% है। तो आप अमाउंट कितना निकालोगे, 18,000 इंटू क्या हो जाएगा, 10/90 होगा सर। तो अमाउंट कितना से बढ़ेगा, 2,000 रुपये से बढ़ेगा सर। ठीक है, मार्क कर लीजिए वो एडजस्टमेंट को, मतलब हीरा हीरा निकाला है हम खोज के। किसको किसको समझ में नहीं आया, हाथ उठा ले फिर से बताएंगे। पढ़ो बेटा पढ़ो, क्या लिखा हुआ पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, जिसका अंग्रेजी वीक है स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो अभी यहाँ नहीं समझ में आया, आने वाला 10 साल तक तुम लोगों के साथ चमत्कार होते रहेगा अगर अंग्रेजी ठीक नहीं किया तो। वेरी डिफिकल्ट हाँ, विदाउट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश वेरी मच डिफिकल्ट। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, मतलब बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो सब अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ, वैल्यूड का मतलब इतना दिखाया, अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखाया, कितना से कम दिखाया, 10%। तो मतलब कितना परसेंट कम दिखा रहा है, 10% मतलब वो कितना परसेंट पे है, 90%, कितना परसेंट है, तो हमको 100% करना है। तो वो जो 18,000 है वो 100% नहीं है, वो तो 90% है। तो 100 करने के लिए क्या करना होगा, इंटू 100/90, तब टोटल 20,000 हो जाएगा। तो मतलब बढ़ा कितना से बढ़ा, 2,000 से बढ़ा। तो 2,000 निकालेंगे कैसे, इंटू 18,000 इंटू 10 करेंगे, नीचे बाय 100 नहीं होगा, नीचे क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज दिस इज नॉट 100%, दिस इज 90%। क्लियर हो गया। और इन्वेस्टमेंट घटा हुआ है तो उतने लोग को बढ़ाना है, तो इंडी क्या करना है सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन, कहां जाएगा रिवैल्यूशन का, बाई साइड में जाएगा, बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला, पढ़ने दी उसको, पढ़ो बेटा और आगे पढ़ा, ब्रैकेट वाला नहीं पड़ेगा। तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, ज्यादा करना है या ज्यादा है, तो क्या करना होगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा, तो लॉस हो गया प्रॉफिट, जनरल इंडी क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट कितना निकलेगा, अमाउंट भी बताइए, अमाउंट कितना निकलेगा, 22,000 पे इंटू कितना करना होगा, इंटू इंटू क्या होगा, 10/100 होगा, 10/110 होगा, क्यों, क्योंकि 10% ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कितना परसेंट है, 110%। समझ में आ रहा सर, तो आप इसका जब जनरल एंट्री पास करोगे तो जनरल एंट्री नंबर ही का क्या करोगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर है, ये बढ़ा हुआ है तो आपको घटाना है, और अमाउंट कैसे निकलेगा बेटा, अमाउंट निकलेगा 22,000 पे, ये 10% बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये 100% नहीं है, 110 है, तो अपने को तो 10% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 10/110। क्लियर हो गया, अंग्रेजी का कमाल देखें, समझ गए सर। इमेजिन करिए कि आप खड़ा है और कोई इंसान लुक्खा चोर अंग्रेजी में बात कर, आप उसको देख रहे हैं, देख के लग रहा है कि चोर है, अब चोरी करेगा, लेकिन जब किसी से बात किया तो अंग्रेजी में एकदम पूरा फ्लिंसी में बात करेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा ना, सडनली जो एक इमेजिनेशन की उसको देख के वो सडनली पूरा चेंज हो गया और आप इम्प्रेस हो गए, समझ में आया, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वही सेम चीज लाने की कोशिश करें। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन में अगर आप स्ट्रांग हो गए तो हर एक फील्ड में आप आगे बढ़ जाइएगा, और इंग्लिश स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट यही है सर, रीड, जितना ज्यादा इंग्लिश रीड करिएगा सुनिएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, समझ रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना हो गया सर,
2000। आगे बढ़े, चलो जल्दी। फिर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹25,000, बुक वैल्यू कितना है? तो बढ़ा या घटा, कितना से बढ़ा, फायदा या नुकसान? जनरल इंडी बोलो बेटा। परफेक्ट। तो जनरल इंडी क्या हो जाएगा सर? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना से? 5,000। तो एट नंबर का इंडी पास करो। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा सर? बाई साइड में दिखाएंगे, बाई साइड। हाँ, तो किसी का शादी में ज्यादा लुंगी पहन के कैसे जाता वो बता, कैसे जाता? फिट पार्ट हो जाता है तो अच्छे से। तो एग्जाम इज लाइक योर वॉट? इज लाइक अ वेडिंग जो 3 घंटा का होगा। अब वो 3 घंटा में आपको एकदम बढ़िया सा समझ गया, पूरा पाउडर उडर, फाउंडेशन फाउंडेशन मार हो गया, एकदम लिपस्टिक पाउडर उडर लगा होगा कि एकदम बैठने, समझ गया? वो पूरा चमकाना आपको अपना पेपर को, वही साल भर का मेहनत है सर। एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसे ही होना चाहिए ना सर। आपकी भाई की शादी है तो आप कैसे तैयारी करते हो? भाई की है, बहन की शादी है, कुछ भी अगर शादी रहता है, घर पे कोई फंक्शन रहता है, पूरे 1 साल से चर्चा होता है। और लास्ट का 3 महीना तो भाई साहब ये खरीदेंगे, अरे मैचिंग ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए, पूरा प्लानिंग वगैरह, पूरा प्लॉटिंग वगैरह हो गया। सिर्फ कितना दिन का एंजॉयमेंट के लिए? 3 घंटे के लिए। कितना घंटे का एंजॉयमेंट है? 3 से 4 घंटा, उससे ज्यादा? और 3 से 4 घंटे के लिए आप लाख लाख रुपए खर्चा कर दे, कहा है भाई साहब अच्छा दिखना है? ओह जाएंगे एकदम, आदमी लोग बोलेगा ओ क्या लग रहे हो यार, तुम्हें तो दूल्हा लग रहे हो, जो काला है बेटा पूरा फेयर एंड लवली मार के आया पूरा हो ऐसा। मैंने कुछ कुछ ऐसा मतलब आप, आपका लेडीज लोग डायरेक्टली आपका सलून से आती है, वहीं में जान भी रास्ते में वो धूल में जम जा डायरेक्ट एंट्री। तो आप लोग कितना प्लानिंग वगैरह करते हैं राइट, लेकिन वही 1 साल का मेहनत, और 1 साल का मेहनत आपका जज कहाँ करता है? 3 घंटे। लेकिन जितना लेवल का एक्साइटमेंट और जितना मतलब इंथुजियाज्म आपका शादी पे रहता है, वैसा एक्साइटमेंट एग्जाम पे लाइए ना सर। सोचिए कि एग्जाम भी वही मैरिज की तरह है, जो हमको 3 घंटे में पूरा 1 साल का मेरे को वहां दिखाना है करके। और कैसे दिखाएंगे? प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए मेरा, लिखने का कैसा होना चाहिए, टाइमिंग मेरे को कितना जल्दी करना नहीं करना, हम कैसे निकाल के जाएंगे कि मेरे एग्जामिनर मेरे को पूरा में पूरा नंबर देगा ही देगा, नहीं देगा तो लड़े नहीं है। वो एटीट्यूड लाइए ना, वो नहीं होगा। शादी थोड़ी ना है सर, मेहनत कर रहे सर। हाँ मजा आया, मजा थोड़ी ना आया, तो सजा माइंड इज एवरीथिंग सर। परसेप्शन चेंज करिएगा, आगे बढ़िएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। ये बीच बीच में थोड़ा बकवास कर लेते हैं, ज्यादा बकवास करें तो इशारा दे देगा सर, ज्यादा हो रहा है। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ फिर। मशीनरी इज टेकन बाय अजय, ₹4,80,000। अब ये क्या है बेटा, जो बता देगा अभी चॉकलेट बता। इसका जनरल एंडिंग कौन क्या किया? अजय को 80,000 में दिया है और उसका बुक वैल्यू था 60,000, तो 20,000 उसका ये हो गया मुनाफा। जनरल एंडी क्या होगा? जनरल एंट्री होगा बस। नहीं बोले इसका जनरल एंडी क्या होगा, कौन बताएगा? बोलिए सर, बोलिए जनरल एंटी, बोलिए बोलिए जनरल एंटी क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। मशीनरी इज टेकन बाय अजय ₹80,000। अब बुक वैल्यू कितना रुपए का है? ₹60 का है सर। क्या होगा? क्या चांस होगा? साहिल बता पाएगा? चल ₹10 देंगे जो बताएगा, ₹10 ₹10।
जनरल एंट्री के साथ अमाउंट भी तो बताइए क्या लिखा पड़ी। मशीनरी टेकन बाय अजय 4 रुपीज, बुक वैल्यू कितना रुपए का? 20,000 का मशीन का वैल्यू बढ़ा और वो लेके कौन चला गया? क्या एंट्री हो बोलिए। ऑब्वियसली ड्रॉइंग्स तो होगा ना, लेके जा रहा है, बट ड्रॉइंग्स गुड्स का होता है, यहाँ तो एसेट्स लेके जा रहा है। सबसे पहले देखिए 60 का मशीन था कितना हो गया? चलिए सर आप लोगों को 10 रुपए नहीं मिलेगा, हमको बताइए 60,000 का मशीन था कितना वैल्यू हो गया? 80,000 रुपया। तो सबसे पहला बात मेरा डी वैल्यूएशन का फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ तो री वैल्यूएशन क्या होगा? 2 में जाएगा, 2 री वैल्यूएशन। कितना का फायदा हुआ? 20,000 का फायदा हुआ। और मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन 20,000 20,000। और वो लेके कौन चला गया? अजय लेके गया। तो अजय जब लेके जाता है तो जनरल एंट्री क्या होता है ड्राइंग का? मतलब जब मशीन लेके जा रहा है तो जनरल एंट्री क्या होगा? सोचिए मशीन जा रहा है तो मशीन क्या होगा? क्रेडिट। मशीन क्या होगा? क्रेडिट। और कौन लेके जा रहा है? तो अजय। क्या होगा अजय? मतलब कौन? अजय का कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या पास हो रहा है? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 80,000 80,000। लेकिन दोनों एंट्री को अगर अपने लोग कंबाइंड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? अजस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये मशीन को कितना में लेके जा रहा है? 80,000 रुपए में। कितना रुपए में? ये पूरा 80,000 रुपए उसका डेबिट में चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मशीन कितना का है? 60,000 का। तो 20,000 वैल्यूएशन में फायदा बोल के गया। और 2 मशीन में कितना जाएगा सर? 2 मशीन में जाएगा 60,000। आराम से सोचिए, 60,000 का मशीन था, 20,000 प्रॉफिट में लेके जा रहा है ना। एक्चुअल में इसका 2 जनरल एंट्री होता। पहले वो था मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना रुपए का? 20,000 20,000। फिर दूसरा एंट्री क्या होता? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना रुपया? 80,000 80,000। लेकिन अगर सिंगल जनरल एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या होगा बताइए? मशीन लेके जा रहा है 2 मशीन 60,000, फायदा हो गया 2 रिवैल्यूएशन 20,000, और कितना लेके जा रहा है? 80,000 रुपए। ये कहां चल जाएगा? अजय का कैपिटल से डेबिट कर देंगे 80,000 रुपए का। तो छूट ही आएगा तो हम पहुंचा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राई करिएगा सर, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालिएगा। आपको पता है कि हम लोग जितने भी इंसान है सबका माइंड एक जैसा ही है, पावर सबका सेम है, कोई कम बेसी नहीं है, पता है? तो सिर्फ डिपेंड करता है कि लोग कितना उसको यूज करते हैं। हो गया सर? क्या बीइंग अजय विडो या फिर अजय टेक ओवर मशीन खत्म? तो नरेशन में चांप ले रहा है, बोला तो गाली और गाना छोड़ के कुछ भी लिखेगा, क्या चांप दे रहा है मेरे को? नेक्स्ट में ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रंजन 4 रुपीज 30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। और बुक वैल्यू कितना रुपए का है? 72,000। अरे बाप रे बाप, क्या दे दिए सर आप, तो हिल जाएंगे हम। क्या लिखा हुआ है देखिए, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रंजन 4 रुपीज 30,000 And the balance is revalued at 57,600. Book value कितने रुपए का है? 72,000। ये वाला क्या करते हैं? रहने दें, ये बता दें। हम तो बता रही हैं, आप लोग करके लाएंगे नहीं करेंगे? देखिए, तो ये वाली जो सम है ना, इसको अपने लोग इस तरह से डील करते हैं। मशीन का वैल्यू हमको बताइए कितना है? टोटल 72,000 है,
इसमें से क्या बोला है अजय, कितना लेके जा रहा है? वन थर्ड किसका? तो अजय लेके जा रहा है वन थर्ड, वन थर्ड किसका? तो मशीन का वन थर्ड कितना हो गया? 72,000 का वन थर्ड कितना हो गया जी? 24,000। और ये 24,000 को ये बेटा लेके कितना में जा रहा है? तो फायदा कितना का हो गया? फायदा कितना का हो गया? तो अगर इसका सिर्फ जनरल एनडी पास करेंगे तो इसी का रेफरेंस लेके बोलिए जनरल एनडी क्या होगा इसका? अजय कैपिटल कितना में लेके जा रहा है? 30,000 में। तो एनडी क्या होगा? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। टू रिवैल्यूशन में कितना जाएगा? 6,000। और टू मशीन में कितना जाएगा? 24,000। आप देखो 24,000 का मशीन को 30 में लेके जा रहा है तो फायदा कितना का हो गया? 6,000 का। सेम जनरल एनडी पास होगा, लेकिन कैसे पास होगा? टू रिवैल्यूशन में जाएगा 6,000, मशीन कितना का था? 24,000। टू मशीन में जाएगा 24,000, लेकिन अजय कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000। समझ में? इसका जनरल एनडी पास करते अपने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपए का? 30,000 रुपए का। टू रिवैल्यूशन कितना का रिवैल्यूशन होगा? 6,000। और टू मशीन में से, टू मशीन में कितना जाएगा? 24,000। क्लियर हुआ? अब ये वाली दोनों मिनट समझ में आ जाएगा? फिर से बताओ क्या लिखा था वहां पे, पढ़ो क्वेश्चन पे। 72,000 मशीन का था, क्या लिखा था पढ़ो अजय? रंजन लिखे जा रहा था ना, रंजन करो। हाँ क्या लिखा? वन थर्ड ऑफ द मशीन टेकन बाय रंजन। ठीक है, वो दो पार्ट हो गए, पहले एक पार्ट में आ जाओ। 24,000 का वन थर्ड कितना हो गया? 72,000 का वन थर्ड कितना हो गया? 24,000। कितना में लेके जा रहा है? तो फायदा कितना का होगा? 6,000 का। तो ये रंजन कैपिटल में जाएगा, है ना? तो ये रंजन का कैपिटल में कितना जाएगा? पूरा 30,000। प्रॉफिट जो हो गया कहाँ जाएगा? रिवैल्यूशन। टू रिवैल्यूशन में गया 6,000, और मशीन कितना का लेके गया? 24,000। क्लियर हो गया? अब बचा कितना? बचा कितना? टू थर्ड। टू थर्ड कितना का? 72,000 का। तो इक्वल टू कितना हो गया? 48,000 का सामान बचा हुआ। अब जो 48,000 का सामान बचा था उसको कितना में वैल्यू करने बोला? चेक करिए, उसको वैल्यूड कितना में करने के लिए बोला? 57,600। यहां पर भी तो प्रॉफिट हो गया ना सर, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 9,600। अब ये तो प्रॉफिट हो गया, कोई विड्रॉ कर रहा है क्या? कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट का एंटी क्या होता है बोलो? प्रॉफिट का एंटी क्या होता है? प्रॉफिट हो गया ना सर, फायदा हो गया। किसका फायदा हो गया? मशीन से मेरा फायदा हो गया। मशीन का वैल्यू बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। तो मशीन का एंटी क्या होता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। क्लियर है? कितना रुपए जाएगा? 9,600। और यहां पर भी 9,600। ठीक है, चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका दो एंटी हो गया। आपने लोगों का जनरल एंटी रिवॉल्यूशन में बैठाएंगे तो कितना बैठाएंगे सर? अच्छा, लास्ट स्टॉक तक किया था ना, तो ये पहले वाला का भी बताओ। पहले वाला का रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा? सिर्फ 20,000 जाएगा। और रिवॉल्यूशन का किस साइड बैठेगा? बाई साइड में। तो आप बाई साइड में दिखा होगा, बाई मशीन, बाई क्या लिखेंगे? मशीन बोल के दिखा देंगे। कितना रुपये का? 20,000। समझ गए? और फिर से ये वाला एंटी देखिए, दो बार मेरा बढ़ रहा है। यहाँ पर 6,000 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9,600 बढ़ रहा है। टोटल मशीन कितना से बढ़ा? 6,000 प्लस 9,600, 15,600। हो गया। और आगे कोई प्रॉब्लम सर यहाँ तक का? ये थोड़ा डिफिकल्ट था लास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई साहब
समझ में आए ये वाले एंटी? नहीं समझ में आए घर जाके फिर से देखना क्या लिखा है, पढ़िए दूसरा वाला। नेक्स्ट में क्या है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 5,000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हो बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो अपने लोग डेबिट साइड में दिखाए थे उसमें से 5,000 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ रहा है तो फायदा है नुकसान? फायदा। अब देखो ना अपने लोग डेबिट में 5,000 रुपए का डेबिट में दिखा दिए तो प्रॉफिट क्या हो गया सर? कम हो गया ना। तो अभी क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है घटाना है? बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के। तो एंटी क्या हो गया बताइए, रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या बोलकर? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना रुपया? 5,000। जनरल एंटी क्या पास करेंगे इसका? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसमें और भी आ सकता है सर, क्रेडिटर रिटेन ऑफ, क्रेडिटर और बढ़ गया राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। 5,000 आगे बढ़ो और क्या है? एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट रुपीज 5,000 पेड बाय अजय। एक्सपेंसेस 5,000 रुपए का था रिवैल्यूएशन में, पैसा कौन दिया? अगर एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन का होता है तो एंटी क्या होता है? खर्चा है तो एंटी क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अगर पेमेंट फर्म करता, पेमेंट कौन करता? फर्म करता, तो फर्म का पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो किसको क्रेडिट करता है? बैंक को। और खर्चा है तो किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता अगर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म लिखा रहता, या कुछ नहीं भी लिखा रहेगा तो क्या एंटी करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहां यहां कौन पेमेंट किया? तो अजय पेमेंट किया, तो अजय को देंगे कि नहीं देंगे? जब अजय एसेट्स को लेके जा रहा था तो अजय को क्या कर दिया? डेबिट। अजय अकाउंट डेबिट टू मशीन, अजय अकाउंट डेबिट टू मशीन, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन राइट। तो उसका कैपिटल को घटा दिए। अभी वो जो पैसा ला रहा है तो कहां से ला रहा है? अपने पास से दे रहा है। तो उसका कैपिटल को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो एंटी क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। अगर पैसा दे दिया टू बैंक, अगर पार्टनर कैपिटल देगा टू अजय कैपिटल, टू कैपिटल में जाएगा। इसका एंटी हो जाएगा सर, इसका एंटी हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है सर? दिखा दो कितना रुपया? 5,000 पे क्या? ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में दिखाएंगे? टू साइड में, टू एक्सपेंस, टू अजय करके दिखाएंगे, अजय कैपिटल। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस। कितना रुपए सर? 5,000 रुपए। फिर क्या है बताओ? अ डेटर हुज ड्यूज रुपीज 14,000 वेयर रिटेन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। बोला कि 14,000 का ड्यू था, उसको लास्ट ईयर अपने लोग बैड डेट मान लिए। पेड रुपीज 10,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये 10,000 को क्या बोलेंगे? ये 10,000 को क्या वर्ड बोलते हैं? एक वर्ड है जिस जो ये पॉइंट को डिफाइन करता है। एक वर्ड है बैड डेट, पहले चैप्टर में पढ़े होंगे आप। 14,000 का पिछले साल बैड डेट हुआ था, अपने लोग उसको राइट ऑफ भी कर दिए। इस साल 10,000 अपने को मिल गया उससे। ऐसा नहीं होता है, किसी को आपने उधार में पैसा दिया था, वो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, आपने छोड़ दिया, जा साला नहीं देगा, हटाओ, जकात में काट दिए आप 10,000 रुपए। नहीं समझे? पैसा नहीं दे रहा तो जकात तो देना है भैया, वही में टाप दिया, ऊपर वाला समझेगा इसे। तो 10,000 रुपए आपने क्या कर दिए? बैड डेट कर दिए। तो बैड डेट का मतलब क्या हो गया? राइट ऑफ। मान लिया कि मेरा पैसा डूब गया, अब अगला साल वही बंदा मेरे से आया उधार मांगने के लिए, तो पहले उधार देंगे या पहले कुछ और देंगे?
पहले तो पैसा मांगे ना भाई साहब, पुराना पैसा बाकी है आपका सर, पहले वो दीजिए तभी हम काम करेंगे। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ करके, अरे कम ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो, जैसे तैसे सेटलमेंट करके कितना में कर दिया। तो ये भैया 14,000 आप तो बैड डेट मान चुके थे है ना, वो तो बैड डेट था, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये आपको मिला तो अब नहीं लीजिएगा क्या? बोले नहीं 14 ही देनी होगा। दिमाग खराब है? नहीं मामा से खाना मामा, सुना है तो समथिंग इज बेटर देन, इंग्लिश में ही बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो भैया 10,000 रुपये तो मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट रिकवरी। क्या मतलब होता है बैड डेट रिकवरी? क्लियर है? तो बैड डेट रिकवरी का एंटी क्या करेंगे सर? यहाँ पे एंटी पास करिए के का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पैसा अपने पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको अपने लोग इनकम है ना सर, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। कितना रुपया सर अमाउंट बताओ, कितना रुपया? 10,000। 10,000 ए 2:30 बजे बुलाए थे, तुम लोग 4 बजे आ रहे हो, कॉस्ट एंड टैक्स सर हो गया, कोई प्रॉब्लम है? ध्यान रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए अब अपने लोग जोड़ देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जोड़ो इसको क्या भैया? वो पिछला साल था, पिछला साल तुम तो दिखाया होगा यहाँ पर, बाई साइड में लिखे बाय बैंक। अरे पिछला साल तुम तो दिखाया होगा, यही साल का बैड डेट है पिछला साल का, तो इस साल क्यों शो होगा? अब जोड़ लेते हैं सर, जोड़ के जो आता है क्या बोलते हैं उसको, इस साइड में आएगा ऑब्वियसली प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। किससे पार्टेंगे? कौन है दो पार्टनर? ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था? अजय और रंजन, राइट? और दोनों का रेशो क्या था? 2:3। इसको पूरा जोड़ेंगे, इस साइड से लेस कर देंगे, कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है? लेस कर दीजिए ना उसे, 7,000 रुपये लेस की। इसको बांट देंगे 2:3 में, थ्री सिक्स 2:40 ये वाला। हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए बाबू, कितना आ रहा सर? 5,4,360। अब यही हमारा प्रॉफिट आया, इसको किसको ट्रांसफर कर देना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप ये सारा का तो जनरल एंट्री पास किए हैं, इसका भी जनरल एंट्री पास होता है, समझ गए? अगर बुक्स में जर्नल आपको बोलेगा तो इसकी एंट्री के साथ साथ ये भी पास करना आपको। और क्या एंट्री होगा बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू रंजन्स कैपिटल, टू अजय कैपिटल, रंजन कैपिटल, ये अमाउंट बैठाएंगे। एक्चुअली जनरल एंट्री में बैठाइए उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 90,600 टू अजय कैपिटल एंड टू रंजन कैपिटल। समझ आ रहा सर? छत्तीस हजार 240 और इसका 54,000 कितना है? 400 360। हो गया, नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बस डॉट। ट्रांसफर
तेरे पास टाइम बहुत रहेगा एग्जाम में। सर हो गया रिवैल्यूएशन का, कोई प्रॉब्लम याद रहेगा ना? तो बिफोर हमारा क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर एडमिशन में क्या होता है? अब अपने लोग पूरा बुक्स वगैरह रेडी कर दिए, इमेजिन करिए बिफोर में करने से पहले आपको अगर रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा काम कर दिए, पूरा जोड़ के प्रॉफिट लॉस वगैरह पूरा दिखा दिए पार्टनर्स कैपिटल में। अब सिर्फ क्या बचा? सिर्फ दो चीज बचा, अब नया पार्टनर का स्वागत करना है स्वैग से। और नया पार्टनर का स्वागत करने के लिए वो क्या लाएगा? एक तो अपना कैपिटल लाएगा और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। क्या लाएगा? तो आफ्टर एडमिशंस ऑफ पार्टनर में क्लियर है, नया पार्टनर क्या लाता है सर? नया पार्टनर कैपिटल लाता है। क्या लाता है सर? कैपिटल ब्राउज करेगा। क्या करेगा? ठीक है, अगर कैपिटल ब्राउज कर रहा है इन कैश में, किसमें सर? कैश बोले तो बैंक, कैश बोले तो इंडी क्या करेंगे? पैसा ला रहा है बिजनेस में, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है सर, तो इंडी क्या होगा? बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? मान लो सी है तो क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? मान लो एक लाख रुपया ला रहा है तो पूरा एक लाख रुपया डेबिट, यहां पर भी एक लाख रुपया क्रेडिट। इसके अलावा अगर ये सिर्फ कैश नहीं ला रहा, कैश के साथ साथ अदर स्टॉक भी ला सकता है कि नहीं ला सकता है? हो सकता है ना सर, कैश भी ला रहा था सर, घर में फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ था, तो बीवी क्या बोले, अरे यहाँ रखे का करेगी, बिजनेस में लेकर चल जाएगी, बीवी तो ऐसी है। बात समझ आ रहा सर? तो आप अदर देन कैश भी तो ला सकते हैं बिजनेस में, तब क्या जनरल एंट्री पास होगा? अगर वो बैंक ला रहा है, अदर एसेट्स भी वो ला रहा है, तो अदर एसेट में जो भी ला रहा है सब क्या कर देंगे? सब डेबिट, सब क्या कर देंगे? तो एनडी क्या हो जाएगा सर? अगर वो बैंक ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ला रहा है तो स्टॉक अकाउंट, मशीन ला रहा है सर तो मशीन अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं? और एट द एंड में क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल। क्लियर है? सपोज मान लो ये मेरा एक लाख रुपया था, स्टॉक 20,000 का ला रहा है, यहां पे 80,000 रुपए का, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? आप इसको पोस्टिंग कैसे करोगे हमको बताओ? सी का कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय बैंक 1,00,000 रुपया, और फिर बैंक में बैलेंस शीट में बैंक में क्या करोगे? ऐड कर दोगे। सी का कैपिटल में बाय लिखोगे स्टॉक 20,000, और फिर बैलेंस शीट में स्टॉक में 20,000 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। रिवैल्यूएशन में जो हुआ वो अलग, ये 20,000 रुपये फिर क्या होगा? अलग से ऐड हो जाएगा। ये बेटा मशीन लाया 80,000 का, कैपिटल में लिखोगे बाय मशीन, और फिर मशीन जब दिखाओगे बैलेंस शीट में वहां पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे बैंक का करते थे वैसे इन लोग दोनों का भी करेंगे। तो ये था कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट है सर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल का चीज समझना है सर, गुडविल का पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा। तो पहला बात है, अपने लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूम ब्राउट, कस्टमर क्या कर रहा है सर? ब्राउट कर रहा है। क्या कर रहा है? पैसा ला रहा है। सबसे पहले ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में जानना है प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। क्या बोलते हैं सर? सब लिखा हुआ है, उतारने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालते हैं अपने लोग? ये गुडविल नहीं है, गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, पूरा फर्म का जितना गुडविल था सर, इनटू क्या हो जाता है? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का जितना शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पैसा उसको लाना पड़ेगा। क्लियर है? मान लो कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 रुपया, कितना रुपया? और इसका शेयर 1/3 है, कितना शेयर है? तो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया? 30,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको उल्टा गिवन दे रहा था, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया 30,000, उसका शेयर बोल दिया 1/3,
तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा? 90,000। कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके। ये 90,000 से 1/3 डिवाइड किए 3 से तो 30,000 आया। अब 30,000 से वापस 90,000 में कैसे जाएंगे? ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर गुडविल ऑफ द फर्म है, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, तो शेयर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल गया? प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिए और निकालना क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म, तो क्या करना होगा? शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। एसीक्यू में दे सकता है आप, ठीक है? प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया, आपको बोल दिया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालो, आप परेशान। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको आगे बढ़ना आता है, लेकिन वही रास्ते से पीछे मुड़ने में ना दिक्कत है। क्लियर हो गया सर? नाउ अब ये मान लीजिए कि ये मेरा गुडविल का पैसा ला रहा है। अब ये लाएगा, नंबर वन पे है ब्राउट प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। कैसे पैसा ला रहा है सर? प्राइवेटली ला रहा है, मतलब टेबल के नीचे से पैसा दे रहा है, समझ रहे हैं? मिठाई का डब्बा में पैसा दे रहा है प्राइवेटली, जनरल एंट्री टेबल के नीचे से दे रहा है, मिठाई का डब्बा में दे रहा है। तो जनरल एंट्री भी पास कहां करेंगे? टेबल के नीचे में। और जेंट भी पास कहां होगा? मिठाई का डब्बा में, बुक में पास। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दे रहा है, सीन से किसका पैसा है? ओल्ड पार्टनर का है। ये किसका पैसा? ओल्ड पार्टनर का। तो बुक में दे या तो फिर ऑफ बुक सेटल कर ले। तो ऑफ बुक अगर सेटल करता है तो उसको प्राइवेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ऑफ बुक सेटल कर लेगा तो मेरा जनरल एंट्री पास होगा क्या? नो जनरल एंट्री, कोई जनरल एंट्री पास नहीं हो। एग्जाम में लिखिएगा नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड इफ द प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन ब्राउट बाय द पार्टनर प्राइवेटली। समझिए, दूसरा कंडीशन क्या है सर? ब्राउट कर रहे हैं और फिर रिटेन है। क्या कर रहा है सर? ब्राउट कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल एंड रिटेन बाय पार्टनर, एंड रिटेन बाय पार्टनर। रिटेन का मतलब क्या हो गया? बिजनेस में वो पैसा को रिटेन किया, रखा है। किस लिए रखा है? अरे भैया पैसा ला रहा है तो बिजनेस में के लिए पैसा क्या होगा? अच्छा है ना सर, बढ़ेगा वैल्यू उसका, उसको रिटेन कर दिया लिक्विड पोजिशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसका दो जनरल एंट्री पास होता है सर प्रीमियम फॉर गुडविल का, याद रखिएगा। एक होता है वेन रिसीव, क्या बताइए? जब रिसीव करेंगे, जब रिसीव करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होती है? पैसा आया तो किसको डेबिट करेंगे? पैसा है तो किसको डेबिट करेंगे? कैश है तो बैंक, अगर 10,000 से नीचे रहा कैश, अदरवाइज बैंक, ये बोला हुआ नहीं रहेगा। तो आप कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, बट लॉजिक क्या है? 10 से नीचे अमाउंट जाएगा तो क्या लिख सकते हो? कैश। 10 के ऊपर रहेगा तो ऑलवेज क्या करोगे? कैश नहीं करना है। कैश क्या करना है? नहीं करना। अब क्यों, वो भी मत पूछो, वो बताएंगे बात। तो आप एंट्री क्या करोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या एंट्री करेंगे? आया तो रिसीव कर लिए पैसा, वो कितना पैसा लाएगा बाबू? कितना पैसा लाएगा? अब ये पैसा किसका हिस्सा है? जो सैक्रिफाइस किया, मतलब कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा सर। तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, बोले तो भैया ए एंड बी, समझ रहे हैं? अब ये 30,000 रुपया डेबिट हो गया पूरा। अभी किसमें बटेगा? ए एंड बी में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। तो एक आपको निकल जाता है हीरा। ये तुक्का चल लगा हुआ यहाँ, तुक्का मारा क्या? क्या होगा सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखे हैं, रिमेम्बर कैसे निकालते हैं? उसे रेशो में बांट देंगे। मान लो 1:1 है तो कितना हो गया? 15,000 15,000। क्लियर हो गया? ये जब गुडविल का पैसा लाएगा और रिटेन करेगा, क्या करेगा? तो देखिए अल्टीमेट एंट्री क्या हो गया? प्रीमियम फॉर प्रीमियम काट दीजिए, तो एक एंट्री पास करना, तो एक एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, पैसा लाया
ए और बी को बांट दिए, कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? तो कोई एक एनडीबी सिखाता है तो भी गलत नहीं। आप इसको पोस्टिंग कैसे करोगे लेजर में? कैपिटल में चल जाएगा बाय बैंक या बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी में कितना दिखा देंगे? 15,000 15,000। और ये बैंक में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक में क्या हो जाएगा? 30,000 रुपया एड हो जाएगा मेरा बैलेंस शीट मैच। थर्ड में क्या है सर? जब गुडविल का पैसा ला रहा है और रिटेन नहीं करके वो लोग विड्रॉ कर ले रहा, क्या कर ले रहा सर? थर्ड नंबर में गुडविल ब्राउट कर रहा है बट विड्रॉ बाय द पार्टनर। पार्टनर क्या कर लेगा सर? विड्यू कर लेगा। तो सर विड्यू करेगा तो पहला एंटी जो था ना रिसीव वाला, वो क्या एंटी रहेगा? सेम। डिस्ट्रीब्यूट वाला भी क्या एंटी हो गया? सेम होगा। अभी पैसा विड्रॉ कर ले रहा है, कौन विड्रॉ कर रहा है? ए एंड बी। अब जितना भी विड्रॉ करेगा तो हमको बताओ बिजनेस से पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा तो क्या होगा? टू बैंक। और जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उसका कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इसका एंटी क्या पास होगा? ओल्ड पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट सर अमाउंट मान लीजिए, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ पूरा ले लेके चल जा रहा है, जितना आया पूरा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,000 15,000। यहां कितना चल जाएगा? 30,000। अगर बोल दिया फुल तो भाई साहब पूरा का मतलब 15,000, यहां पर भी 15,000 और यहां पर कितना हो गया? 30,000। बोल दिया आधा लेके जा रहा, आधा आधा हाफ लेके जा रहा, तो अमाउंट कितना होगा? 7,500। यहां पर भी 7,500 और यहां पर कितना हो जाएगा? खत्म। यही तो है जब गुडविल का पैसा लाएगा। बोल सकते हैं 40% लेके जा रहा है तो तुम ये 30,000 का कितना करेगा? 40% मतलब 15,000 का 40% वो लेके चल जा रहा है तो कितना हो गया भाई साहब? 6,000। तो 6,000 6,000 ये कितना हो जाएगा? 12,000। बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया? ये था जब गुडविल का पैसा लाएगा। अब मेन दर्द इसमें नहीं है, दर्द किसमें है? सेकेंड पे है। जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। बोलिए, छोड़ देंगे क्या? तो प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्राउड बाय पार्टनर। नॉट ब्राउड का मतलब जब वो पैसा नहीं ला रहा है। याद रखिएगा सर, आप धंधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धंधा में इमोशनल अटैचमेंट लाइएगा तो खत्म। समझ गए? आप बिजनेस करने बैठे हैं, साला आ गया, अरे जीजा जी एक तो दीजिए ना सामान, लेके चला गया, पैसा नहीं दिया। ऐसा ऐसा 100 साला पैदा हो जाएगा बाबू, फिर क्या करोगे? सबको फ्री में बांटते रहोगे? लॉस करेंगे सर? ऐसे नहीं चलेगा। तो गुडविल का पैसा तो लेंगे ही। अब वो बोल रहा कि भाई साहब हम कैपिटल लाएंगे, गुडविल नहीं लाएंगे। अब पैसा का जरूरत भी है, भाई साहब क्या करें? तो बोले एक काम करते, कैपिटल तो ला रहे हैं ना, ला कैपिटल लेके। अब काम कर, गुडविल तो मत ला, वो हम लोग देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। तो कैपिटल ला, क्या ला? तो गुडविल का पैसा अगर नहीं लाएगा तो कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कैपिटल से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? फंड यही कि उसका कैपिटल से ले लेंगे। क्लियर है? अब दो तरीका है। क्या तरीका है सर? दो मेथड है यहां पर। एक तो मेथड हो गया रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल। क्या है सर मेथड नंबर वन में? क्या बताइए? रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल। गुडविल को रेज करेंगे और फिर क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है? तो गुडविल को अब जब रेस करेंगे तो कौन सा वैल्यू से? फुल वैल्यू। कौन सा वैल्यू से? फुल वैल्यू। बोले तो 30,000 नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म मतलब 90,000 से रेस करना हो। 30,000 से रेस नहीं करेंगे, याद रखेंगे। कौन सा वैल्यू से? 90,000 से रेस करेंगे। तो कौन से भी ये रहता है, रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्या फॉर्मूला है? गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर इन रेशो। लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो किसमें करेंगे? न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो में। बस खत्म, खेला खेल लेंगे फिर। समझ गए? तो यहां पर ए नंबर में क्या करना है? गुडविल को रेस करना है। और रेस किसको करना है? रेस करना है टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। याद रखिएगा,
ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और जब गुडविल को रेस करते हैं तो जनरल इंटू क्या पास होगा उनको बताइए। गुडविल को रेस करने का मतलब क्या करना, बढ़ाना। गुडविल क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स को बढ़ाने का मतलब इंटी क्या होगा, गुडविल को डेबिट करना होगा। तो इंटी जनरल इंटी क्या पास करोगे आप, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मान लो कि ये मेरा पूरा फुल वैल्यू कितना था, 90,000। शेयर मान लो सबका इक्वली है, मैं ऐसे इक्वली कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 45,000। आप कैसे दिखाओगे कैपिटल अकाउंट का कहां जाएगा, बाई साइड में बाई गुडविल, बाई गुडविल बोल के दिखा देंगे 45,000 45,000। ये गुडविल को क्या कर देंगे रेज। अब क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो कौन सा पार्टनर में है, कौन सा पार्टनर में, न्यू पार्टनर। कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। खत्म। तो गुडविल डेबिट था, गुडविल क्या हो जाएगा क्रेडिट। और कौन डेबिट हो जाएगा, ए डेबिट होगा, बी डेबिट होगा, और मजाक मजाक में किसको डेबिट कर देंगे, और यहाँ टू गुडविल अकाउंट बढ़ जाएगा। अब गुडविल कितना से क्रेडिट होगा, पूरा 90,000। अब यहाँ पे रेशियो मान लो ये लोग अभी इक्वली है, 1:1:1। अब कितना जाएगा 30,000। यहाँ पर भी कितना हो गया 30,000, और यहाँ पर भी कितना हो गया। खेला खेल लिया, खेला हो गए छे खत्म। गुडविल का पैसा ले लिए, उसको पता भी नहीं चला कैसे लिए। आप चेक करिए, देखिए कैसे लिए अपने लोग, आप चेक करिए। ये दो एंटिटी को समझिए, ये दो एंटिटी को समझिए। देखिए ये एंटिटी को क्या किया, गुडविल को डेबिट किए, फिर गुडविल क्या हो गया, गुडविल डेबिट था, गुडविल क्रेडिट हो गया। तो गुडविल का तो कुछ कहानी नहीं है, बचा क्या ए। ए देखिए ए क्रेडिट था 45,000, और ए यहां पे डेबिट कितना हो गया 30,000। तो ए का बैलेंस कहां बच रहा है, क्रेडिट साइड में बच रहा है ना, और कितना रुपया बच रहा है। तो ए अभी भी क्रेडिट है, कितना रुपए से क्रेडिट है। बी काम को बताइए सेम, बी कितना से क्रेडिट है 45,000, और बी डेबिट कितना से है, तो लेस कर दीजिए। अभी भी 15,000 कहां पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में। तो क्या होगा टू बी, बी यहां पर कुछ है, सी कुछ नहीं है। देखिए सी यहां पर डायरेक्टली डेबिट, और कितना से डेबिट है 30,000 से। सी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 30,000 से। समझ गए, ये जो था एंटी, ये एंटी को समझिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला पे। तो उनको बताइए ये एंटी में क्या फर्क हो रहा है। ये था ना गुडविल का पैसा ब्राउट करेगा तो क्या एंटी हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेमेंट गुडविल, ये काट दीजिए। तो एंटी क्या हो रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और अभी बैंक की जगह में सिर्फ क्या आ गया। तो भैया पैसा अगर लाते हैं तो इज्जत से लेते, और पैसा अगर नहीं लाए तो घुमा के ले लिया, लेकिन लेंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। समझ में कैसे लिए, अब चेक करिए। बैंक की जगह किसका कैपिटल वो कर दिए, सी कैपिटल कर दिए, और सी का कैपिटल से पैसा किसमें चल गया, ए एंड बी। कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गया। तो क्लियर हुआ, तो ये जो पॉइंट है, ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं एडजस्टमेंट मेथड। कौन सा मेथड, कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड, ठीक है। तो गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने का मतलब, जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो दो तरह से अपने लोग बुक में गुडविल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना, और दूसरा ये कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। कौन सा मेथड, इसमें गुडविल का नामो निशान भी नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन, मतलब गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, और बोला गुडविल का नाम और निशान भी नहीं लिखना है। तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। क्लियर है। और यहां पर एंटी क्या होगा सर, सी का कैपिटल को प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट से, और ए और बी को किस रेशो में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और नहीं समझ में आएगा तो एक दूसरा वर्किंग भी है। क्या वर्किंग है, गुडविल को रेज और राइट ऑफ वर्किंग में करेंगे। कहां करेंगे, गुडविल को रेस कितना से किया था 45,000, रिमेंबर। और राइट ऑफ कितना से किए थे,
30,000 किए थे ना सर, 30,000 यहाँ पर भी, 30,000 यहाँ पर भी, 30,000 लेस कर दो, तो ये लेस करके 15,000 क्या है पॉजिटिव, ये लेस करके 15,000 क्या है, और ये 30,000 क्या है, और तो नेगेटिव का मतलब क्या करना है डेबिट, पॉजिटिव का मतलब क्या करना है, तो जनरल इंडी क्या पास होगा, जनरल इंडी क्या पास होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, टू ए एंड बी में कितना जाएगा 15,000, 15,000 यही एंट्री कहां दिखाना आपको, कैपिटल। बाउंसर गए छे कितना लोग का, यही है सर, यही है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। देखिए जो लोग बाउंसर किया है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां चाहिए मेरे को, समझ रहे हैं, पूरा 100% फोकस यहां देखना है आपको। गुडविल का लॉजिक क्या है, गुडविल का पैसा लाएगा या तो नहीं लाएगा, अभी लाने वाला में चलेंगे, नहीं लाने वाला बाद में, अगर पैसा लाएगा, लाएगा एक तो ला रहा है ऑफ द बुक सेटल कर रहा है, बुक में कुछ नहीं दिखाना है गुडविल, आपस में बातचीत करके कर लेंगे, तो भैया बुक में कोई एंट्री पास करने का सरवा, क्लियर हो गया, पैसा ला रहे हैं और बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, कोई विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो जब पैसा लाएगा तो दो एंट्री करना है, एक रिसीव का डिस्ट्रीब्यूट का, जब रिसीव करेंगे तो लॉजिक से समझिए तब इजी लगेगा, पैसा आ रहा है क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किस लिए पैसा आ रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट क्या बैठाएंगे, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करके क्या निकला, एक पार्टनर का शेयर निकल गया भाई साहब, जैसा 90,000 था उसका शेयर 1/3 था, मल्टीप्लाई करके कितना आया 30,000, तो इंडी क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये रिसीव कर दिए, अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो सैक्रिफाइस किया, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था, क्रेडिट था, अब क्या कर देना है डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू ए टू बी कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, निकालना पता आपको कैसे, पता होंगे, अब अगर पैसा गुडविल का ला रहा है और फिर वो लोग लेके भी चल जा रहा है ना, तो पहला एंट्री क्या होगा रिसीव का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा एंट्री क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अब वो लेके चला जा रहा है तो लेके जाएगा तो क्या एंट्री होगा, पैसा जा रहा है, ए का कैपिटल क्रेडिट हो गया तब क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप पूरा लेके जाए चल जाएगा तो पूरा कर देंगे, आधा लेके चल जाएगा तो जितना पैसा आप बटा था उसका आधा अमाउंट जाएगा, पता ये किसमें करना है, जब गुडविल का पैसा लाएगा, अब सर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, वो नहीं ला रहा तो छोड़ नहीं है, अरे मेरा लड़का ही तो है छोड़ दो ना क्या दिक्कत, तो अलग बात, लड़का है तो अलग बात है, इसके अलावा छोड़ देगा क्या किसी का, भाई रहेगा छोड़ देगा, वो डिपेंड करता है सर, है ना, तो सर यहां पर एंट्री आप क्या करोगे बताओ, जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, कैपिटल तो ला रहा है ना, तो लॉजिक यही है उसका कैपिटल से ले लेंगे, किससे लेंगे, और लेने का दो तरीका, लेने का दो तरीका, एक सर गुडविल को रेज और राइट ऑफ करना, दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड, जहां गुडविल को रेज और राइट ऑफ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, पहला वाला कर दो क्या, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, लिखा है नो गुडविल अकाउंट शुड बी रेज इन द बुक्स, गुडविल अकाउंट टू बी एडजस्टेड यूजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड, तो आपको कौन सा करना है, सेकेंड वाला करना है, और क्या एंट्री करना है सर, गुडविल अकाउंट डेबिट, रेस करेंगे कौन सा पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में, कौन सा वैल्यू में, शेयर ऑफ वाला गुडविल पे, गुडविल ऑफ द फर्म पे, गुडविल ऑफ द फर्म पे, मतलब 30,000 नहीं 90,000, 30,000 नहीं 90,000, तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट पूरा 90,000 पूरा पूरा, और टू में क्या हो जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर मतलब टू ए एंड बी कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, आप जब राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो कौन सा पार्टनर में, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में, मतलब दो पार्टनर या तीन पार्टनर, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, और गुडविल पहले डेबिट था क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट था क्या हो जाएगा डेबिट, तो इंडी क्या होगा सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अब कौन सा रेशो में बढ़ेगा, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो में, खत्म,
आप अगर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो दिमाग लगाओ, रेस कहाँ करेंगे? बाय बाय गुडविल, दो पार्टनर में बढ़ेगा। राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू गुडविल, कितना पार्टनर बढ़ेगा? तीन पार्टनर में बढ़ेगा, खत्म गुडविल का कहानी। अब अगर गुडविल का पैसा ला रहा है, सॉरी नहीं ला रहा, और बोल रहा है कि गुडविल को रेज नहीं करना है भाई साहब, तो कौन सा मेथड करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। और कैसे करेंगे? ऐसे गुडविल को रेज कहां करेंगे? वर्किंग में, जो अपने लोग रेज और राइट ऑफ बुक्स में करते हैं वो कहां करेंगे? वर्किंग में। तो वर्किंग में रेज कर दिया, वर्किंग में राइट ऑफ कर दिया, ये मेरा आ गया। अभी जनरल इंडी को बैठा देना है सर, इंडी क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। अब किसी को बैठाना भी नहीं आता है, अरे भैया सी को डेबिट करना है 30,000 से, तो सी का डेबिट में क्या लिखेगा? 2A and B, और अमाउंट कितना दिखा देगा? 30,000। ए और बी को क्रेडिट करना है, तो ए और बी का कैपिटल में तुम क्या दिखाएगा? बाय सी कैपिटल, और अमाउंट कहां जाएगा? ए में जाएगा और बी में जाएगा, यही तो है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और दर्द दे देता है। क्या दर्द दे देता है? एक तो गुडविल आपको दे दिया 90,000 रुपया, अंदर में गुडविल लिखा रहता है, गुडविल बैलेंस शीट के अंदर में लिखा रहता है, मान लो 20,000 रुपया, कितना रुपया, कितना लिखा हुआ है? नहीं समझे हैं? मतलब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 रुपया, और बुक में लिखा हुआ गुडविल ऑलरेडी रेज 20,000 रुपया, कहां पर है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ऑलरेडी 20,000 रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? गुडविल ऑलरेडी रेज किया हुआ है। कितना रेस किया हुआ है? 20,000। लेकिन अपने को रेस करना कितना था? चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एडजस्टमेंट में टोटल गुडविल 90,000 है, अंदर में गुडविल नहीं था तो ऐसे करेंगे। अंदर में गुडविल ऑलरेडी 20,000 दिया हुआ है, तो तुम रेस कितना करेगा? कितना करेंगे? अंदर में गुडविल ऑलरेडी 20,000 दिया हुआ, और एडजस्टमेंट में बोला टोटल गुडविल 90,000 है, तो ऑलरेडी रेस किया हुआ 20,000 रुपया सर। अब रेस कितना करना है? 70,000 करना है, तो गुडविल को रेस करना है 70,000। कौन सा पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी में अब कितना जाएगा? 70,000 बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो कितना करेंगे? पूरा 90,000 करेंगे। किसमें? न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। क्यों? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन में गुडविल को रेस करने बोला, राइट ऑफ करने बोला है, तो नहीं छोड़ना होगा। समझ गए? यही है सर। क्लियर हुआ? करना क्या है आप लोगों को? ये वाली देखिए, पूरा गुडविल का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? घर में जाना है और इसको अच्छा से पढ़ना है, काफी मेहनत से लिखा है मैंने, ठीक है सर? हिडन गुडविल वाला ये अपने लोग बाद में करेंगे। आपको घर में क्या करना है? ये क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको जर्नल एंट्री पूरा, डी वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये पूरा बनाना है। यही समझे क्या करना है? पूरा डी वैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री भी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। एक मिनट, नहीं, 14 नहीं, वो कैपिटल वाला एडजस्टमेंट है, 14 है सर। एक नीचे में देखो ना, एक तो डूडो फ्रूडो होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए पेज नंबर 21 पे आइए, 21 में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 डूडो फ्रूडो, ये बेस्ट सम है। और हमको तो ऐसा पता नहीं, फील होता है कि यही एग्जाम में दे देगा। अच्छा भाई, हम कभी भी ना आप लोगों को सजेशन नहीं देते, सजेशन नहीं समझा, मतलब वो आपका नजूमी वाला काम नहीं है, ऐ करके जा या जाएगा, वो सब नहीं करते हैं। बच्चे लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे पढ़ाएं कि भैया एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट कर लेना, वो ड्रामा नहीं है, ये क्वेश्चन करके या एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में बेटा नहीं आया, पता चला गाली दे रहा मेरे को, है ना भाई? तो गाली सुनने वाला काम नहीं करते हम। क्लियर हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 ये करके लाइएगा, पूरा जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन, ठीक है सर? आई होप नेक्स्ट क्लास आपका एडमिशन का लास्ट क्लास हो। दस मिनट ब्रेक लीजिए, कॉस्ट टैक्स आपका है क्या?
अरे